रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मैं मुबीन मिर्ज़ा हूँ, आईएनएस का चीफ एडिटर। आज मैं नाइट में था, जॉब पे अपना काम कर रहा था नाइट ड्यूटी में, तो चंदनगुट्टा पीएस लिमिट के अंदर बार्कस जुमेरा होटल में मैं एसआई सतीश साहब की गाड़ी आगे जा रही थी, मैं उनके साथ साथ गया क्या कुछ हो रहा देखने के लिए। तो वो जुमेरा होटल पे गए थे, जो बार्कस में जुमेरा होटल है जो बहुत मशहूर है, वो जुमेरा होटल में गए। बाद में वहां पर से उनके कोई मैनेजर और कोई ओनर है पता नहीं है, उनको साहब ने साथ में अपने गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे। उसके बाद में फिर मैं वहां पे कवरेज करते हुए, जब एक जवान और मैं दोनों मिलके जब जुमेरा होटल का शटर उठाए तो मैं अंदर घुसा, अंदर घुस के मैं अंदर का कवरेज कर रहा। तकरीबन 60 से 70 आदमी अंदर खाना खा रहे थे, मतलब भरपूर तरीके से कारोबार बिजनेस चल रहा था वहां पर, जिसका मैं विजन ले रहा था। विजन लिए बाद में मैं बाहर निकला तो मैं अपने लेते हुए आगे आया तो वहां पे सारे लाइटें बंद करके अंधेरा कर दिए थे। पुलिस वाले अपना काम करके उनको, मतलब अपनी गाड़ी में बिठा के जुमेरा होटल के ओनर को पीएस लेके जा रहे थे। तो वहां पे जुमेरा होटल के जो मैनेजर है, पता नहीं ओनर है, आई डोंट नो कौन है, वो लोग मेरा नाम पूछ रहे थे। नाम पता नहीं क्यों पूछ रहे थे, या नाम पूछ के मेरे को और क्या, बल्कि कस्टडी में पुलिस की गाड़ी में रह के, मेरे पास पूरा वीडियो है उसका, मेरा नाम पूछ रहे, तेरा नाम बोल, नाम क्या है बोल, तू कौन से मीडिया से है बोल। मैं बोला मैं पुलिस के साथ आया हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ, आप पीएस चलो, मैं भी आपके साथ में आ रहा हूँ। अरे मेरा नाम बोल, ताम बोल, ये जुमेरा होटल के ओनर से पता नहीं कौन है, वो लोग मेरा नाम पूछ रहे थे। उसके बाद में वो गाड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं अपनी एक्टिवा गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो पीछे से एक आदमी आके मुझे लात मारा, फिर सामने से एक और एक जो लुंगियों पे थे, कोई लुंगी चाऊसा थे वो, तो एक जना आके मेरा गला पकड़ा, एक जना मेरा आईडी कार्ड पकड़ के, गला पकड़ के मेरे आईडी कार्ड का वीडियो निकाला, कोई एक वीडियो खींचा। मेरे साथ काफी सारी बदतमीजी हुई वहां पर एक मीडिया पर्सन के साथ में। तो वहां पर पुलिस नहीं थी? पुलिस वहां पे थी, दो गाड़ी पुलिस थी, एक गाड़ी में तो सतीश साहब जहां पर मौजूद थे, सही जो चंदनगुट्टे के सतीश साहब है, उनकी गाड़ी में बैठ के गए। बाद में फिर फ्रेंडली पुलिस की और एक गाड़ी थी वहां पर, वो खाली तमाशा देख रहे थे। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं अकेला हूँ यहाँ पे, आप मेरा साथ दो तो शायद उनको भी बिरयानी खाने की हुक्की लगी थी, उन्होंने अपनी बिरयानी खाने की तरफ चले गए। मेरे तरफ कोई भी नहीं आया और मैं वापस आया। फिर पीएस के अंदर आके सचिव साहब वहां से थे, साहब आप गए बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सचिव साहब बोले आके वहां पे कंप्लेन दो, मैंने कंप्लेन दिया। और मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ, एक अस्थमा पेशेंट होने के नाते मेरी तबीयत खराब हो गई वहां पे, मेरा तबीयत खराब होने से सांस लेने में दिक्कत हो गई। फिर एमएससी लेके मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, उस्मानिया हॉस्पिटल में हूँ। मेरा कहना यह है साहब, खैर मेरी तो तबीयत जैसी भी रहेंगी रहेंगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर, सॉरी पीएस के अंदर, जो जुमेरा होटल मेरी आंख खुले जैसे देख लेते आ रहा हूँ, मैं भी बार्कस में पैदा हुआ सो वाला हूँ, मेरी भी अवल बार्कस में गड़ी सो है, जो नाम पूछ रहे हैं उन्हें खुद नहीं जानते मैं कौन हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, ये जुमेरा होटल जाके जुमेरा शादी खाना बन गया, ये जुमेरा होटल वाले शादी खाने का लाइसेंस निकाल के वहां पर रात देर गए थे, बोला सुबह तक वहां पर बिरयानी लोगों को खिला के अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक शादी खाने का लाइसेंस निकाल के। तो मेरा ये कहना है हमारी फ्रेंडली पुलिस चंदनगुट्टे से, जरा उनसे वो लाइसेंस लेके चेक करो। और दूसरे मेरे पास ऐसे ऐसे विजिल है, आप लोगों की भी शादी खाने में शादी होती होगी, शादी हो गए बाद में लोग पेटीएम करके जाते या एटीएम डाल के जाते या पैसे देके जाते, वो शादी खाना ऐसा है, उनका कहना है शादी खाना है जिसमें लाइसेंस है, वहां पे लोग खाना खा के पैसे देके जा रहे हैं। ऐसे शादी खाने हो गए तो बहुत अच्छे हैं, लोगों की शादियां भी बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, लेकिन एक शादी खाने के नाम के ऊपर लाइसेंस निकाल कर लोगों की आंखों में, कानून के हाथों में धूल झोंक कर एक जुमेरा होटल अपना कारोबार चला रहा, इसका अंदाजा इसका कोई पता नहीं है चंदनगुट्टा पीएस को जिसके बारे में ये हो रहा। अगर उसका पोल खोलने के लिए एक हमारे सतीश साहब जो अभी वहां पर आए हैं, उन्होंने वहां पर जाके अगर रेड करते हैं, अगर पकड़ते हैं, एक मीडिया पर्सन ओनली 1% था वहां पर, मैं उसके विजिल लेता हूं सच्चाई सामने लाने के लिए। खैर पुलिस पे तो कोई हाथ नहीं उठा सकता, बड़ा बोलने पड़ सकता, क्योंकि हमारे पास वर्दी नहीं, हम बगैर वर्दी के हैं, हमारे ऊपर हाथ उठाया गया, हमको मारा गया, हमारे को बेइज्जत किया गया। तो हमेशा मीडिया हर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती है हर तरीके से, आज वही सच्चाई सामने लेके आया तो मीडिया के ऊपर हाथ साफ कर दिया गया। तो हमारी पुलिस से, हमारे कमिश्नर साहब से हमारी ये इल्तिजा है, हमारे डीसीपी साहब, हमारे कमिश्नर साहब ये बोलते हैं कि मीडिया हमारे पुलिस का साथ दो, पुलिस आपका साथ देंगी। तो चलिए देखते हैं, आज एक सहाफी जख्मी होकर मारा खा के पीएस में आया है, एक पुलिस का साथ देते हुए, मेरे पास पूरे एविडेंस है, मेरे सवाल जवाब भी है सचिव साहब के साथ में, वहां पर 60 से 70 आदमी खाना खा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप दो आदमी को ले जा रहे हो, तो उनका ये कहना है कि हम एक्शन लेने ले जा रहे हैं।
वो खुद बैठ के वही जुमेरा होटल की बिरयानी मंगा के खा रहे हैं वहां पर, वो दोनों मुतकंडे बैठ के। और जिस जो लोग जुमेरा होटल के जो लोग है, ये मेरे पे पूरा बस क्या बताएं, हमारी बेइज्जती होती है। और जो भी है एमएससी में लिखा हुआ है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये मीडिया पर्सन के ऊपर ये हो रहा है, तो हमेशा ये होगा, तो सहाफत कौन बताएगा, सच्चाई कौन बताएगा? जब हम सच्चाई बता रहे हैं तो हमारे ऊपर ये काम हो रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस फ्रेंडली पुलिस ही रहेंगी, पुलिस अपना काम नहीं करेंगी। अभी देखते हैं पुलिस क्या काम करती है। दो मुतकंडे को लेके आए हैं, उसके लोग मेरे पर हमला करे हैं, मैं वहां पर पिटीशन दिया हूं, और मेरी क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है ये भी हम देखेंगे। और मैं वो पूरे वीडियोस पूरे शाया करूंगा पूरी मीडिया में जो वहां पर हो रहे थे। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा चलने तैयार रहा, लेकिन दिल होना पड़ता वहां तक जाने के लिए। लोगों के लिए दिल नहीं है बारकस में घुसने के लिए। मैं भी एक बारकस वाला हूं और बारकस में घुसा हूं और सच्चाई को सामने लेके आया हूं। अगर कोई जान सकते हैं तो वीडियो में